Hello students, how are you? I hope you all are safe. So students, today it's your English class. Welcome in your English class. As you know, in previous video, we start a new topic, a new chapter, and that was If I Were an Apple. Okay? So this is a I hope you cite this poem at home and learn it. So what was the poem is, if I were an apple and grew on a tree, if I were an apple and grew on a tree, I think I had dropped down, I think I had dropped down on a nice boy like me, on a nice boy like me. I wouldn't stay there, giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me, my boy. So, students, and this is the poem. And what was the summary of the poem? The summary of the poem, this poem is about a boy. He thinks if he were an apple, he would not like to keep swing on the tree. According to him, it would be of no use. Further, he wishes that he would like to fall down on a nice boy. And he would say, eat me, my boy. So students, now I will explain this poem in Hindi once again. That इस पोएम में क्या था कि एक बॉय था, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक बॉय था जो क्या कर रहा था, सोच रहा था, इमेजिनेशन कर रहा था कि अगर वो एक एप्पल होता और पेड़ पर लगता तो वो जो था वो क्या करता, वो नीचे गिर जाता एक अच्छे लड़के के ऊपर. ठीक है, एक अच्छे से लड़के के ऊपर गिर जाता और उसे पेड़ पर लटके रहना, पेड़ पर लगे रहना अच्छा नहीं लगता, जिससे कि किसी को भी कोई खुशी नहीं मिलती. ठीक है, मतलब उससे इसलिए पेड़ पर रहना अच्छा नहीं लगता था, लगा कि उसके पेड़ पर लटकने से किसी को खुशी नहीं मिलेगी. लेकिन अगर वो नीचे गिर जाएगा और किसी बच्चे के पास ऊपर, किसी बॉय के ऊपर गिरेगा, तो वो उसको बोलेगा कि ईट मी माई बॉय, के लड़के तुम मुझे खा लो. इसलिए मतलब जब तक कोई उसको एप्पल को खाता नहीं, तब तक उसको कोई खुशी नहीं मिलती. उसको वो सोचता है कि अगर मैं पेड़ पे लटका रहूँगा तो वो वेस्ट है, मेरा मतलब मेरा एप्पल होना जो है वो वेस्ट है अगर मुझे कोई खाएगा नहीं. ठीक है, तो इसलिए वो बोलता है कि अगर मैं पेड़ से नीचे गिरूंगा एक लड़के को बोलूंगा कि मुझे खा लो. ठीक है, तो ये थी इस पोएम में जो था, ये समरी थी. अब आज मैं इसी पोएम के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी. और लास्ट पोएम में मैंने आपको हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग प्रीवियस वर्कशीट में करवाए थे. ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि आपने न्यू वर्ड्स कौन कौन से देखे हैं, पढ़े हैं. A double P L E, apple, apple. B O Y, boy, boy. E A T, eight, eight. D R O P, drop, drop, drop. Okay, so let's read. I like to eat an एप्पल. स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिए, एप्पल इज अ फ्रूट एंड एप्पल इज द नेम ऑफ अ फ्रूट एंड द नेम ऑफ द फ्रूट इज स्टार्ट विद लेटर ए एंड ए इज अ वॉवल, तो वी पुट एन इन फ्रंट ऑफ इट. इसके आगे हमने इसलिए एन लगाया है क्योंकि ए जो है वो एक वॉवल है. तो यहाँ पर है आई लाइक टू ईट एन एप्पल, कि मुझे एप्पल खाना पसंद है. वी C L A P, K L A P, clap. O U R R H A N D S, her and s, hands, hands, hands. With j oy, joy. We clap our hands with joy. Means कि हमने खुशी में, happiness में हमने ताली बजाई. ठीक है, happiness. Okay, now the question answers.
So question answer is, what is the first question? The first question is, where is the apple? So give me answer. Where is the apple? Yes, tell me. Yes, good. Apple is on the tree. Yes, apple is on the tree. You are right. But we can say, we can also say like that, that apple is hanging on the tree. Apple jo tha wo ped par, hanging means latak raha tha, hai na? Apple is hanging on the tree. ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है, एप्पल इज ऑन द ट्री, बट हम इसे टू टाइप से लिख सकते हैं, एप्पल इज ऑन द ट्री और एप्पल इज हैंगिंग ऑन द ट्री. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द बॉय? वेयर इज द बॉय? लड़का कहाँ था? यस, टेल मी अकॉर्डिंग टू पिक्चर, व्हाट यू कैन गिव मी आंसर. Yes, good. The boy is under the tree. Tree के नीचे बैठा है ना. The boy is under the tree. But जो poem थी उसमें ये जो boy है ये क्या सोच रहा था? But जो ये boy था ये यहाँ पर जो था वो imagination में था. ठीक है, ये लड़का जो था वो सोच रहा था, तो इमेजिनेशन में था. तो हम इसका आंसर भी दो तरह से दे सकते हैं, कि द बॉय इज अंडर द ट्री अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर. ठीक है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम आंसर ये दे सकते हैं कि द बॉय इज अंडर द ट्री, कि बॉय जो था वो पेड़ के नीचे था. ठीक है, द बॉय इज अंडर द ट्री. बट जो इसका मीनिंग है पोएम का, जो इस पोएम की समरी है, उसके अकॉर्डिंग जो था वो बॉय कहाँ था? अंडर इमेजिनेशन. द बॉय इज अंडर इमेजिनेशन मीन्स बॉय जो था वो क्या कर रहा था? सोच रहा था, कल्पना कर रहा था कि इफ आई वर एन एप्पल. तो वो क्या सोच रहा था? कि अगर मैं एक एप्पल होता. तो इसका आंसर जो है आप दोनों तरह से दे सकते हैं, दैट वन इज द बॉय इज अंडर द ट्री, और सेकंड कैन यू राइट द बॉय इज अंडर इमेजिनेशन, कि बॉय जो था वो सपनों की दुनिया में था. इमेजिनेशन मींस अपना सोच रहा था इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल. How can the boy get the apple? लड़के को जो था वो सेब कैसे मिल सकता था? Now you think, अगर आप इस boy की जगह होते, if you were at the place of this boy, how can you take this apple? आप इस apple को कैसे ले सकते थे? सोचिए, अगर आप किसी fruit के पेड़ के पास हैं, तो आप उसे कैसे लेंगे? Yes, tell me. Yes, you are good students. You can give answer. Yes, good. कैसे ले सकते थे? आप उसको पेड़ पर चढ़ के तोड़ते, है ना? आप क्या करते? पहले first you climb up the on the tree and then you pluck that apple or pluck that fruit, है ना? उसको तोड़ते. तो इसका आंसर भी हम ऐसे देंगे, The boy can. अब जो ये can है वो यहाँ आ जाएगा. The boy can get the apple by climbing up on the tree. जब वो पेड़ पर चढ़ता और तब उसे apple मिल जाता. ठीक है, अब देखिए इसका next question है, Do you like apples? आपको पूछ रहे हैं Do you like apples? तो इसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, कि आपको क्या एप्पल पसंद है या नहीं है. ठीक है, लाइक अगर मुझे देना हो, अगर इफ समवन आस्क मी दैट आई लाइक एप्पल, तो आई विल गिव आंसर यस आई लाइक एप्पल. अगर आपको एप्पल अच्छा लगता है तो आप भी बोलेंगे यस आई लाइक एप्पल्स.
और अगर आपको नहीं लगता तो आप बोलोगे नो आई डोंट लाइक एप्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, वो पूछ रहा है क्या आप कभी किसी फ्रूट ट्री पर चढ़े हो, आप कभी किसी फ्रूट ट्री के ऊपर चढ़े हो, फल के पौधे पे चढ़े हो, लाइक मैंगो एप्पल और एनी फ्रूट यू कैन राइट, और है ना। तो अगर आपने किसी फ्रूट ट्री पे क्लाइम किया है तो यू कैन राइट येस आई क्लाइम ऑन अ ट्री, मैंगो ट्री, और तो आई हैव क्लाइम्ड ऑन अ मैंगो ट्री, इस तरह से एनी थिंग यू वॉन्ट टू राइट। ओके सो नाओ इट्स टाइम टू फिल योर शो यू योर वर्कशीट, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर वर्कशीट, हेयर वी डिस्कस राइट, वी डिस्कस द क्वेश्चंस। ओके सेम क्वेश्चंस आर हेयर, वेयर इज द एप्पल, आंसर इज The apple is hanging on the tree. The apple is hanging on the tree. And question number 2 is where is the boy? Where is the boy? So there will be you can write this answer in two ways. Like one is the boy is under imagination. The boy is under imagination. And second you can write the boy is under the tree. According to the picture in your book, you can write the boy is under the tree. Okay, so next question is how can the boy get the apple? How, C-A-N, can, P-H-E, the, B-O-Y, boy, G-E-T, get the, A-P-P-L-E, apple, question mark. The answer will be the B-O-Y boy, C-A-N can, G-E-T get the apple. Students, यहाँ तक जो है वो आपका question में से ही answer है. The boy can get the apple by, B-Y by, C-L-I-M-B-I-N-G, C-L-I-M-B-I-N-G, climbing up on the tree. The boy can get the apple by climbing up on the tree. Okay, next is, students, these two questions are extra that I give you in this worksheet. Okay, where does the boy want to grow? Where does the boy want to grow? In the boy in his imagination, where he want to grow? जो अपनी imagination में अपने अब जब वो बॉय सोच रहा था तो वो कहाँ उगना चाह रहा था? द बॉय वॉन्ट्स टू ग्रो ऑन एन एप्पल ट्री. अकॉर्डिंग टू योर बुक आई विल शो यू येस द लाइन हियर इज इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री. तो यहाँ इस लाइन से आपका आंसर आया है that the boy wants to grow on an apple tree. Then next is what does the boy want to say? अपनी imagination में जो boy था वो क्या बोलना चाहता था? The what does the boy want to say? The boy, this line comes from the last line and say eat me my boy. तो आप कैसे लिखेंगे? इस लाइन से ये आंसर आएगा. आप लिखेंगे द बॉय वॉन्ट्स टू से ईट मी माई बॉय. द बॉय वॉन्ट्स टू से ईट मी माई बॉय. सो दीज आर द सम क्वेश्चन आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेम सेंटेंस. फ्रेम सेंटेंस मीन्स मेकिंग सेंटेंस और मेक सेंटेंस, राइट? सो यू कैन आई कैन use here frame word so differently so that ke you come to know what is the frame sentence. Okay, frame sentence and make sentence both are same. So here is some examples, some words you will make sentences for these
words. Okay, so first is you can make any sentence you want, but in worksheet I will explain you some. Okay, so first is T-R-E-E-S, trees, trees. So what will be the sentence? We should, तो हम sentence क्या बनाएंगे? We should, not cut the trees. We should not cut the trees. तो trees का हमें sentence बनाना है. यहाँ पर आ गया आपका trees. ये हो गया आपका trees. ठीक है. Then is A-P-P-L-E, apple. So simple, आप लिख सकते हैं I-L-I-K-E, like to eat an apple. I like to eat an apple. So easy. Next is nice. Nice means अच्छा. तो सो लाइक इन योर पोएम अ नाइस बॉय, तो यू कैन राइट शी इज अ नाइस गर्ल. यू कैन ऑल्सो राइट बॉय हेयर, शी इज अ नाइस गर्ल. गर्ल यू कैन राइट ही इज अ नाइस बॉय. आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप किसी बॉय का नाम लिख सकते हैं, लाइक देव इज अ नाइस बॉय और रीना इज अ नाइस गर्ल, इस तरह से. ठीक है. यू कैन मेक एनी सेंटेंस यू वांट. ओके, देन नेक्स्ट इज जॉय. जॉय मींस हैप्पीनेस. जॉय मींस हैप्पीनेस. द सेंटेंस विल बी चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी R-E-N, children clap their hands. Children clap their hands with joy. With joy. तो ये आपका यहाँ पर sentence आ गया, वर्ड आ गया जिसका आपको सेंटेंस बनाना है. ओके, देन ड्रॉप. ड्रॉप मीन्स कुछ टपकना, और ड्रॉप जो है वो हम बूंद को भी बोलते हैं. जैसे पानी की बूंद होती है तो उसको भी हम ड्रॉप बोलते हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी शुड, वी शुड सेव एवरी drop of water. Every drop of water. Last one is STAY, stay. Stay means, आजकल आप कोरोना के टाइम में मोस्टली सुन रहे होंगे stay home, stay safe. Stay means रहना. Okay. रहना. ठीक है, तो आजकल आप सुनते हैं ना स्टे होम एंड स्टे सेफ, तो हम वही सेंटेंस बना सकते हैं STAY, स्टे होम एंड स्टे सेफ. सो दिस इज योर वर्ड स्टे. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम sentences, these are some words, and you will make sentence of these words. Okay, I hope you will learn these question answers and you will do these question answers in your notebook properly and in neat and clean handwriting. And this is your non-submitted worksheet. And one thing students, when whenever you start your work in your notebook, first you will write the date on the top first line. After that you will start your question answers of worksheet. Okay students, so now do it in your
notebook in neat and clean handwriting and recite your poem, learn these question answers, learn word meanings, learn hard words, and learn your make sentences also. Okay, thank you and have a good day.